हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कभी कभी टैली प्राइम के अंदर आप कंप्लेन क्या करते हैं कि सर मेरा जो लेजर है वो डिलीट नहीं हो रहा है। अब लेजर डिलीट जरूर होगा, अब क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कंपनी में कौन कौन सी एंट्रीज कर रखी हैं जिसके वजह से आपका लेजर डिलीट नहीं हो रहा है। अगर आपका लेजर डिलीट नहीं हो रहा है तो यही वजह हो सकती है कि आपका लेजर डिलीट ना हो रहा हो। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं इसमें। सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हम कंपनी बना लेंगे जैसा कि हम आमतौर पे करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कर देता हूं माई शॉप वन। ये हमारी कंपनी का नाम है SHOP। ठीक है, ये हो गया माई शॉप वन। और यहाँ पर एड्रेस डालते हैं हम, जो जनरली हम करते ही हैं, तो न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं। आपका जो भी एड्रेस होता हो उसी एड्रेस को आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर एंटर करके नीचे आइएगा, यहाँ पर यू प्रेस कीजिएगा क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपका जो भी स्टेट पड़ता हो वही स्टेट आप चूज करेंगे। ठीक है, एंटर करिएगा और यहाँ पर 274001 ये हमारे लोकल एरिया का पिन कोड है, इसे डाल दीजिएगा। एंटर करिएगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो ये एंड होने की डेट नहीं है, ये जो नीचे जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये एंड होने की डेट नहीं है, ये काम शुरू होने की डेट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जब आप एक्सेप्ट करा लेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होती है। आप चाहे तो GST चालू कर सकते हैं। कहां से चालू होगा, यहां पर आपको GST का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे चालू कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो फिलहाल किसी और चीज को लेकर के है, किसी और चीज के बारे में है, तो मैं यहाँ पर GST नहीं चालू कर रहा, सीधा Ctrl+A कर देता हूं ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। एक्सेप्ट होने के बाद आपको क्या करना है, V बटन प्रेस करना है, और V बटन प्रेस करके कहाँ आ जाना है, परचेज वाउचर में। तो ये आगे परचेज वाउचर में। ठीक है, मैं फिलहाल इसमें रिसीविंग नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिलहाल इसमें रिसीविंग नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधा परचेज पे आता हूँ और यहाँ सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डालता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर पार्टी का लेजर नहीं है, तो उस क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाने के लिए मैं यहाँ पे उस क्रेडिटर पार्टी का नाम देने के बजाय सप्लायर वन कर देता हूँ। आपका जो भी क्रेडिटर पार्टी का नाम हो वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। जो भी सप्लायर पार्टी होती है हमारी उसका ग्रुप क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर ही होता है, तो ये याद रखिएगा। और यहां से सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप चूज कर लीजिएगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूं। ठीक है, फिर एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कराइएगा और यहां पर भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और यहां पर आने के बाद एक लेजर बनेगा, उस लेजर का क्या नाम है, परचेज। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा परचेज अकाउंट। ठीक है, अब ये लेजर से हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ग्रुप क्या होगा, ग्रुप आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा, तो ग्रुप का खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब ज्यादा एंट्रीज कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे पी प्रेस करता हूं, परचेस का ग्रुप आ जाएगा, एंटर करिएगा, इसमें एक्सेप्ट करा लीजिएगा सारी डिटेल्स। ठीक है, अब यहां पर स्टॉक आइटम बनाना है हमें। ठीक है, अब स्टॉक आइटम कैसे बनेगा, Alt+C करके बनेगा। Alt+C करिए और यहाँ पे एक स्टॉक आइटम बना लीजिए, कीबोर्ड KEYBOARD। तो ये हो गया कीबोर्ड, एंटर किया, यहाँ पे एंटर करेंगे। कीबोर्ड का चाहे तो आप ग्रुप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, ग्रुप बनाना होगा तो यहाँ पे जाकर के क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ दे देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक्स ही आइटम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं और यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूनिट बनाना है तो Alt+C करके यूनिट बनाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे क्या, NOS, क्या लिखेंगे, NOS, एंटर करेंगे और यहां दे देंगे नंबर्स, क्या दे देंगे, नंबर्स दे देंगे, एंटर करेंगे और यहां पे N प्रेस करेंगे तो यहां नंबर्स आ ही जाएगा, एंटर करिएगा, इसे एक्सेप्ट कराइएगा, बाकी की डिटेल भरते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब मान लीजिए 60 कीबोर्ड्स की बात हो रही है और यहां पर 230 रुपए खरीद रेट है एक की, तो यहां पर टोटल आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, कोई दूसरा स्टॉक आइटम लेना है वो भी ले सकते हैं, आसान है, Alt के साथ C प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे एक और स्टॉक आइटम बनाता हूँ, माउस। ठीक है, देखिए बिल कैसे बन जाएगा आपका, तैयार हो जाएगा ये। और माउस भी किलो में तो बिकेगा नहीं भाई, कीबोर्ड और माउस किलो में बेचने की चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मिलेगा नंबर्स में। ठीक है, कबाड़ी वाले को थोड़ी ना बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, और यहां से 50 जो है बात करते हैं माउस की,
और एक की खरीद रेट कितनी है 120 रुपए है, तो यहां पर ये डाल दिया हमने। इसी तरीके से यहां पर आते हैं मॉनिटर कर देते हैं, मॉनिटर ठीक है, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, ये भी एनओएस में ही बिकेगा, नंबर्स में ही बिकेगा या खरीदा जाएगा। तो यहां पर एनओएस करके एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, और यहां पे पांच मॉनिटर की बात हो रही है और एक मॉनिटर की खरीद रेट 7000 है, तो ये हो गया, एंटर किया, एंटर किया। बाकी जीएसटी तो हमें देना ही नहीं है, जीएसटी हमने चालू ही नहीं किया है तो देंगे कैसे, ठीक है, जीएसटी तो हमने चालू ही नहीं किया है तो हम कैसे देंगे, तो जीएसटी नहीं दे सकते। तो एंटर करिएगा और यहां पर इसे नो करके एंटर करके और यहां पर एंटर जैसे ही करिएगा तो इनेबल बिल वाइज डिटेल को चालू करने का ये फायदा है। ये विंडो आ जाती है एडजस्टमेंट एंट्री वाली, अपने आप सारा कुछ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और यहां पे नरेशन डाल दीजिएगा, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार में, तो उधार में परचेज किया गया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइए। अब ये हो गया, अब इसको देखना है तो कहां जाएंगे, बाहर आएंगे एस्केप बटन प्रेस करके। एस्केप बटन कहां मिलेगा, कीबोर्ड में सबसे ऊपर की साइड में ईएससी का एक बटन मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्केप बटन कहते हैं। बाहर आइए और बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, यहां से एक बार के प्रेस करना है। देखिए यही आपकी एंट्री थी जो की गई थी, अब इसको प्रिंट करना है तो अल्ट के साथ पी प्रेस करके एंटर कर दीजिएगा और यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिलहाल हमें प्रिंट नहीं करना है, इसका प्रीव्यू देखना है, तो प्रीव्यू यहां से देख सकते हैं। ये देखिए ये प्रीव्यू है आपका और ये कुछ इस तरीके से ये डिटेल में आया हुआ है, देख सकते हैं कितना आसान है, ठीक है। अब यहां से बाहर आते हैं और बाहर अब अगर आप ये चाहें कि इसका फॉर्मेट बदल दिया जाए तो फॉर्मेट भी आप बदल सकते हैं। तो देखिए ये प्रिंट फॉर्मेट दिया गया, तो यहां पे जाइएगा ना तो जो भी फॉर्मेट है मतलब सेटिंग प्रिंटर की आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि इसे एक्सेल में प्रिंट किया जाए तो एक्सेल में भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है ऊपर, ये देखिए इसमें नीचे एक लाइन सी बनी हुई है, इसका मतलब है ये बटन आपको अल्ट के साथ दबाना है, तो अल्ट के साथ ई प्रेस कीजिएगा और ये देखिए ये विंडो ओपन होगी, एंटर करिएगा। आप यहाँ पर जाकर के देखिए एक्सपोर्ट फिर से गया मैं और यहाँ पर जो है करंट को एक्सपोर्ट करना है और किस में एक्सपोर्ट करना, देखिए ये तो एक्सएमएल में एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन हम इसे एक्सेल में करना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल फॉर्मेट आएगा आपको, ठीक है। तो फाइल फॉर्मेट पे जाइएगा और इसे एक्सेल पे लेके चले जाइएगा और एंटर करके इसे एक्सपोर्ट पे एंटर कर दीजिएगा जाकर के, तो ये इस तरीके से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाए तो ये ओपन होगा, तो ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए देख रहे हैं एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया कि नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि सर लेजर डिलीट नहीं हो रहा है, तो अब मान लीजिए ये सप्लायर वन का लेजर ही है या परचेज का लेजर है, आइए इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने का क्या तरीका है, डिलीट करने का तरीका है अल्टर पे जाइए और यहां पर लेजर पे जाइए और एंटर करिए। अब इसमें सप्लायर वन को हम पहले डिलीट करते हैं, तो यहां अल्ट के साथ डी प्रेस किया, अब देखिए अल्ट के साथ डी शॉर्टकट की होती है डिलीट करने की, लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा है, कारण क्या है डिलीट ना होने का। चलिए दूसरा लेजर डिलीट करते हैं, परचेज का लेजर डिलीट करते हैं, जो आप बनाए होंगे उसको डिलीट करिए, देखिए ये भी नहीं डिलीट हो रहा है, कारण क्या है ना डिलीट होने के पीछे, यही समझ में नहीं आती है बात। तो देखिए आपने एक एंट्री करी है, उस एंट्री में इसका यूज कर लिया है, दैट्स वाई ये डिलीट नहीं हो रहा है। याद रखिएगा अगर एंट्री में यूज कर लेंगे इसका तो डिलीट नहीं होगा, अगर आप उस एंट्री को डिलीट कर दें तो ऐसी स्थिति में ये डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारी एंट्री थी, अगर मैं इसको अल्ट के साथ डी प्रेस करके एंटर करके डिलीट कर देता हूं, अब अगर मैं जाता हूं अल्टर पे और वही लेजर पे चला जाता हूं, तो देखिए यहां पे अल्टर पे गए हम और यहां लेजर पे गए और यहां से सप्लायर वन, अब ये आ गया ना, अब इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो देखिए डिलीट वाला ऑप्शन आने लगा लेकिन इसके पहले नहीं आ रहा था। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एंट्री में कहीं यूज कर लिया है तब तो ये डिलीट नहीं होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।